नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। DHD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। कृषि कानून को लेकर पूरे देश में जहां हो हंगामा मचा है, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वार्ता की भी बात कर रहे हैं। वहीं बिहार में इस कृषि कानून को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम हिस्सों पर जाकर उनको समझाने का काम कर रही है। बिहार की डिप्टी CM रेणु देवी भी इस वक्त किसानों को समझाने के लिए आज हम आपको बता दें कि पहुंची थी, जहां उन्होंने किसानों को इस कानून को सही तरीके से अपनाने और सही जानकारी देने की बात कही है। डिप्टी CM रेणु देवी ने क्या कुछ कहा है, हम आपको वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। हमने के सरकार, NDA के सरकार, माननीय नीतीश जी के सरकार, माननीय मोदी जी के सरकार, गरीब के चिंता करे खातिर आज पीछे बैठल गरीब के सेवा के तरह। आज किसान भाई हमारा अन्नदाता बा, आज हमारे किसान चौपाल भी बा, और अन्नदाता अगर हमार मजबूत ना रही तो हम कहाँ से मजबूत रहे। अगर सकल घरेलू उत्पाद के अगर पैसा चाहिए 17% हम कच्चा माल जब दे तो देश के 17% सकल घरेलू उत्पाद बढ़ी। चारों तो फसाद हुई, ए बेरा इतना हल्ला गुल्ला हो रहा बा तो के करता हल्ला गुल्ला। ये हल्ला गुल्ला चार गो कोई किसान नहीं थे। हम पूछे के चाहता नहीं यहाँ के विधायक जी से, विधायक जी लोग तो बड़ा अच्छा डंडा लट्टा लेके चलता नहीं लोग। ये बताई क्यों मैं कोई को किसान बा, कोई आदमी के रोग काम करते नहीं, कितना गरीबी उन्मूलन कहनी रहुआ। आज तक जितना गरीबी उन्मूलन भई बा इधर के सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के सरकार में भई बा। अगर सच्चाई के बात रुआ देखी तो आज किसान के अगर कुछ आई बा तो किसान खातिर आई बा।